खबरों के लिए बने रहिए पीपीसी न्यूज चैनल के साथ। चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे के केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने की खुशी में चंदौली के जिला मुख्यालय के अरविंद वाटिका में कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे का स्वागत समारोह रखा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि अपनी सांसदी की दूसरी पारी में चंदौली जिले को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता हूं। अलीगढ़ की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं मानसिक विकृति के चलते होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण और दुरुस्त है। संगठित अपराध पर का नियंत्रण है, ताकि कहीं व्यक्तिगत राग रंजिश या बहुत विकृत मानसिकता के लोगों द्वारा कोई अगर कुकृत्य होता है तो उसमें मेरा आग्रह है कि नजरिया ये होना चाहिए सरकार की कार्रवाई की। पिछले की सरकारें ऐसे मामलों में लीपापोती करती थी, अपना वोट बैंक देखती थी या राजनीतिक अपराधी संरक्षण देती थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार कानून व्यवस्था में कोई गिरावट पर जीरो टॉलरेंस करती है। जितनी तत्परता से इस घटना पर कार्रवाई हुई है, पीछे की सरकारों में ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती थी। और आगे प्रयत्न करें सरकार की फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसी कड़ी सजा दिलाई जाए कि ऐसा कुकृत्य करने का वो भी सोचे तो उसकी रूह कांप। लोग मांग कर रहे हैं ऐसे अबोध बालक के साथ कुकृत करने वालों को कड़ी से कड़ी कठोर सजा देने के लिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयत्न कर रही है कि इस ऐसे कृत्य करने वाले पर लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सुनवाई हो और जो कड़े दंडात्मक प्रावधान है उसमें कड़ी सजा मिले। पश्चिम बंगाल की हालात को देखते हुए क्या वहाँ राज्यपाल शासन की राष्ट्रपति शासन की भी कवायद चल रही है क्या? वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उन कार्यकर्ताओं के साथ है। ममता के पांव उखड़ रहे हैं, बौखलाहट में वो क्रूरता बोलता रही है, इसका जवाब उन्हें मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी राज्यपाल से, क्या कुछ लगता है राष्ट्रपति शासन की? अब आगे आप जब राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है तो राज्यपाल की रिपोर्ट आने तक आगे सरकार जब रिपोर्ट आएगी रिपोर्ट के आधार पर विचार करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा भी ममता के पक्ष में उतर गए हैं, कैसे देखते हैं? शत्रुघ्न जी को अभी भी आप गंभीरता से ले रहे हैं, मेरी सलाह है कि उन्हें गंभीरता से न लें। आप यहाँ आए हैं प्रथम बार कैबिनेट मंत्री बन करके, इस जनपद के लिए क्या पहली सौगात होगी और कितनी बड़ी सौगात देंगे? जनपद का विकास, यहाँ के लोगों का बेहतर जीवन है मेरा पहले भी लक्ष्य रहा है, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी रहे। कौशल विकास मंत्री के तौर पर जिले में क्या करने की योजना है? अभी कौशल विकास से इस प्रदेश देश में जो भी कदम उठाए जाएंगे उन कदमों में चंदौली को भी प्राथमिकता मिली। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल मात खाने के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, क्या करना चाहिए? ईवीएम की वीवैट पर्चियों की मिलान से यह देश को उत्तर मिल गया है कि वीवैट पर्चियों के मिलान के बाद पूरे देश के इतने बड़े चुनाव में
एक भी वीवैट पर्ची का मिलान गलत नहीं पाएंगे, अपने आप जवाब है ऐसे प्रोसीजर। उसके बाद भी जनादेश के बारे में इस तरह की बात करना जनादेश का अपमान है, और ऐसे अपमान करने वालों को मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2022 भी उनके लिए दूर है, देश में 2024 भी उनके लिए दूर है। चुनाव हारने के बाद मुलायम सिंह अखिलेश और शिवपाल को एक करने में लगे हैं, कैसे देखते हैं? ये उनका विषय है, उनसे पूछे कैसे इस समय मायावती के साथ मंच। चंदौली से पीबीसी रिपोर्टर आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट।